हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह एकेडमिक और कम्पिटिटिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपने पहले भी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा और आज फिर से हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे एक अलग तरीके से। तो आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, फिर देखिए कि नंबर सिस्टम का एक-एक डिफिनेशन और एक एक टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर याद करने की कभी जरूरत नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है? तो कहिएगा कि नंबर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है, यानी ए सिस्टम दैट रिप्रेजेंट नंबर। तो नंबर सिस्टम एक सिस्टम है जो संख्याओं को रिप्रेजेंट करती है। तो दुनिया में कितने तरह के नंबर सिस्टम काम कर रहे हैं? तो मूल रूप से अभी चार तरह के नंबर सिस्टम काम कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक है डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली। दूसरा है बाइनरी सिस्टम, इसका प्रयोग कंप्यूटर्स में करते हैं हम लोग। तीसरा है हेक्साडेसिमल, चौथा ऑक्टाडेसिमल, जिसमें से इस तीनों से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। बस एक ही प्रश्न कभी कभी आ सकता है कि इंटर कन्वर्ट, मतलब डेसिमल से बाइनरी, हेक्सा या ऑक्टा में बदलिए, या इसे मतलब किसी से एक दूसरे में बदलना। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज नंबर सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम जो होता है, इसमें कितने नंबर होते हैं? तो इसमें सिर्फ 10 नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जिसमें से 1 से 9 तक का पहले ही खोज किया जा चुका था, और बाद में हमारे भारत में भी आर्यभट्ट महोदय ने 0 की खोज की, तब जाके ये नंबर सिस्टम पूरा हो गया। तो चलिए देखते हैं नंबर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। ये नंबर्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दुनिया में जब सिर्फ नंबर को बांटना हो तो हम दो तरह से बांटेंगे। एक वैसी संख्या जो एग्जिस्ट करती है, वास्तव में है, और दूसरी जो हम लोग कल्पना करते हैं। तो नंबर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या जो कि हम लोग कल्पना करते हैं। वास्तविक संख्या यानी जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, ये कहां से कहां तक है? ये निगेटिव में अनंत से लेकर के 1, 2, 3 अनंत तक पॉजिटिव में है। ये है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर का क्या हो गया कि सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम निगेटिव में अनंत से ले कहां तक? पॉजिटिव में अनंत तक। ये हो गया आपका रियल नंबर। तो आप कहिएगा ये काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या क्या है, तो इसको आप इस तरह से समझिए। अगर आपको -4 यानी -4 का रूट निकालना हो तो क्या निकालिएगा? कहिएगा 4 का तो पता ही है, माइनस आ गया, नहीं निकल पाएगा। तो भाई, तो हमारे गणितज्ञों ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमेजिन किया। क्या इमेजिन किया? i² = -1 इमेजिन किया। अब देखिए i² = -1 हो गया, तो इसका रूट देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, -1, 4, और i² को -1 माना, तो आराम से निकाल दीजिएगा 2i। तो ये जो i है इसको बोलते हैं हम लोग आयोटा। तो इसमें से आपको याद सिर्फ यही रखना है कि i² = 1 होता है माइनस में, तो i√-1 हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यही दो प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर पे। अब जितनी भी संख्याएं आएंगी, जितनी भी परिभाषाएं, वो सब के सब किसके अंदर आएंगी? रियल नंबर के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर। तो आइए इसको हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल। तो पहले हम लोग डेसिमल को देखते हैं। अच्छा, दशमलव का नाम सुनते ही डेसिमल
का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है अच्छा पॉइंट होगा इसमें। जैसे देखिए 1.5 ये क्या है, यह एक डेसिमल है। अगर आपको 1.3333 चला गया ये भी एक डेसिमल है। पाई का मान पता है आपको 3.14159265, इसमें कभी रिपीट नहीं होता, ये भी दशमलव हो गया। अब इस डेसिमल पे आप विचार कीजिए, तीन तरह का हमने लिखा है यहां पे। एक जो 1.5 पे आके रुक गया, कट गया पूरी तरीके से। दूसरा इसका कोई लिमिट नहीं, ये चलता रहेगा अनंत तक, लेकिन पता है कि रिपीट हो रहा है क्या 333। इसमें कुछ पता नहीं है कि कौन सा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक जो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग, और दूसरा नॉन रिपीटिंग। अब कहिएगा कि रिपीटिंग कौन सा हुआ? एक तो ये रिपीटिंग हो गया। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका रिपीटेशन हम लोग बंद कर सकते हैं। तो आप कहिएगा क्या कि 1.3 लिखिए, इसके ऊपर बार डाल दीजिए, हो गया रिपीट खत्म। इसका तो रिपीट ऑलरेडी खत्म हो गया है। अब कहिएगा क्या इसके बाद रिपीट हो रहा है? तो आप इसके बाद देखिए 0 लिख सकते हैं, जितना लिख दे, तो मतलब ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों टाइप क्या हो गया? रिपीटिंग। और ये क्या है? नॉन रिपीटिंग। कैसे बताइए? क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट होके वापस नहीं आ रही है। अब देखिए जो रिपीटिंग है इसको अगर आप लोग बन यहां तक तो रुक गया, उसके बाद इसको भिन्न में बदलना चाहे रेशियो में, तो इजीली बदल सकते हैं। क्या कीजिएगा, 1.5 है, नीचे 1 लिख दीजिए, पॉइंट हटाइए, उसके बाद एक अंक एक 0 दे दीजिए, ये कट गया 3/2, इजिली चेंज हो गया। अब ये बार वाला जो है ये भी आपको चेंज करना पता है, ऊपर वाला जैसे का तैसे लिखिए, नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1/9 दे दीजिए। लेकिन क्या इसको आप बदल सकते हैं, नीचे वाले को? नहीं बदल सकते हैं। तो मतलब जो रिपीटिंग है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, और उसको हम लोग बदल भी सकते हैं रेशियो में, बहुत आसान है। तो रिपीटिंग अगर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। और नॉन रिपीटिंग है तो इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया यहां तक? अब वैसा डेसिमल सिस्टम जो रिपीटिंग है यानी कि जिसको टर्मिनेट कर सकते हैं फिर इसको भिन्न में बदल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या या फिर रेशियोनल नंबर। समझ में आ गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा आप ऐसे भी लिखते होंगे कि वैसी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा सांस के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो पी बटे क्यू के रूप में देखिए इसको हमने लिख दिया 3/2, यहां पे देखिए 3/2, 13/9, तो पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया, यानी इसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। और जो रिपीट नहीं हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये क्या क्या, इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे √2 ये क्या इरेशनल नंबर है, √3 ये क्या इरेशनल नंबर है, √3 इसका रूट क्यूब रूट ये क्या है इरेशनल नंबर है, पाई जिसका मान हमने यहां पे लिखा था ये क्या है इरेशनल नंबर है। अब यहां पे एक प्रश्न आता है, पाई का मान हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो क्या ये सही वैल्यू है? नहीं, यह सही वैल्यू नहीं है, यह तो एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग एप्रोक्स में रखते हैं, जबकि पाई का क्या है? एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या प्रश्न बनता है कि परिमेय संख्या से डेसिमल में बदलना, दो परिमेय संख्या के बीच तीसरी चौथी पांचवी बहुत सारी परिमेय संख्या निकालना, दो अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालना,
तो इन सारे चीजों को हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, परमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना और परमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित, इन चीजों को हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग आएंगे कहां पे, इंटीजर्स पे। डेसिमल देख लिया हमने, अब क्या देखना है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था अभी, तो आइए देखते हैं। इंटीजर्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यह पूर्णांक कहां से शुरू हुआ था, तो इंटीजर शुरू हुआ था हमारा नेगेटिव इन्फिनिटिव से पॉजिटिव में इन्फिनिटिव तक। तो इस इंटीजर्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो चीज देखना है अभी। तो चलिए आइए बांटते हैं। इस इंटीजर्स को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। पहला पार्ट नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होगा, माइनस टू माइनस वन तक। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स थ्री, ये कहां तक, अनंत तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। अब कहिएगा कि ये निगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये जो धन पूर्णांक है इसको एक नाम से हम लोग और जानते हैं, जानते हैं क्या, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या। अब कहिएगा कि ये प्राकृतिक संख्या क्या है और नाम इसका प्राकृतिक संख्या ही क्यों पड़ा। तो देखिए, आपको अगर मैं गिनती करने के लिए बोला हूं तो क्या कहिएगा, वन टू थ्री फोर, एक दो तीन चार। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति से आप गिनती करने के लिए बोलते हो तो वह गिनती शुरू करता है एक दो तीन से, वन टू थ्री से। तो यह एक नेचुरल चीज है, इसीलिए इस गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं। हम लोगों ने याद किया था बहुत पहले, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो अब तो समझ में आ गया। अब देखिए कि ये चूंकि वन टू थ्री फोर अनंत तक, ये कंप्लीट नहीं था। कब तक कंप्लीट नहीं था, जब तक कि जीरो की खोज नहीं कर ली गई थी। जब जीरो की खोज कर ली तो जीरो वन टू थ्री फोर ये एक कंप्लीट सेट बन गया और इसके आधार पे संख्या में हम लोग कुछ भी लिख सकते थे। तो बिना जीरो के यह प्राकृतिक संख्या क्या थी, अपूर्ण थी। जब जीरो आई तो यह क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसलिए जब जीरो इस सेट में आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जीरो को पूर्ण संख्या नहीं बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जीरो से लेकर के जो सेट बनता है जीरो वन टू थ्री फोर, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं या फिर होल नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो संख्याओं का ऐसा समूह जो कहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, यानी गिनती की संख्या के साथ जब जीरो आ जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, इंटीजर्स को कितने भागों में बांटा, पॉजिटिव नेगेटिव और एक जीरो, जिसमें से पॉजिटिव वाला था ये नेचुरल नंबर कहलाता है, और जब इसके साथ जीरो आ जाता है तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो जाता है। अब देखिए, इसी इंटीजर्स को एक तरीका से और हम लोग बांट सकते हैं, क्या आपको पता है, इवन नंबर और ऑड नंबर में। अब ये इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है, तो इवन नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या, और ऑड को क्या कहते हैं हम लोग, विषम
संख्या। अब देखिए कि यह इवन नंबर क्या है, तो आपको पता है कि नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय टू, मतलब वैसी संख्या जो दो से डिविजिबल हो, यानी दो से भाग लगता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो ये सम संख्या का सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो भी सम संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या है जिसमें दो से भाग नहीं लगती है, दो से भाग नहीं लगती है, नॉट डिविजिबल, बस उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या। ये क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7। अब यहां पर याद रखिए क्या कि दो लगातार सम संख्या के बीच देखिए कितना डिफरेंस है, दो दो दो, और दो लगातार विषम संख्या के बीच भी कितना डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि ये जो जीरो है यह सम है या विषम है, बताइए आप लोग कि जीरो क्या कहिएगा, सम या विषम। तो आप देखिए इसमें दो लगातार विषम संख्या के बीच कितना का डिफरेंस है, दो का, तो एक के बाद तीन आ गया, तो एक के पहले क्या आएगा, तो इसमें डिफरेंस के आधार पे देखिएगा तो -1 आता, जीरो कहीं आया नहीं आया ना, लेकिन इसमें देखिए दो और उसके पहले क्या होगा, जीरो और फिर -2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सीरीज को अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीरो क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जीरो क्या है, सम संख्या है। और तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे, आगे का क्लासिफिकेशन हम लोग इस धन पूर्णांक को देखेंगे। देखें पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धन पूर्णांक, इस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। अभी पहला दूसरा तो आपको समझ में आ गया, तीसरा क्या होगा वो बाद में समझिएगा। पहले देखिए, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, दूसरे को क्या बोलेंगे, कंपोजाइट नंबर। ये प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसके वनली एंड वनली टू फैक्टर्स हो, मतलब जिस भी संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ये दो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, यह दो गुणनखंड होता है, एक तो एक होता है और दूसरा वह खुद होता है इटसेल्फ, तो वह हो गया प्राइम नंबर। अब एग्जांपल देखें, जैसे एक संख्या ले लीजिए दो, तो दो का गुणनखंड क्या है, एक और दो, सिर्फ दो गुणनखंड, इसमें से एक एक है, तो ये दो क्या हो गया हमारा, प्राइम नंबर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तीन, इसके कितने गुणनखंड, एक और तीन, तो ये क्या हो गया हमारा, प्राइम नंबर। 11, एक और 11, 17, 1 और 17, 97, 1 और 97, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड है। अब आइए कंपोजाइट नंबर क्या हो जाएगा, यानी भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड हो गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, मोर देन टू फैक्टर्स। अब ये कौन कौन सा होगा, जैसे ये चार, देखिए चार के कितने गुणनखंड हो गए, 1, 2 और 4, मतलब चार में किससे भाग लग रहा है, एक से, दो से, चार से, मतलब तीन तीन गुणनखंड हो गया, तो इसका मतलब चार क्या है, एक भाज्य संख्या है। 6, 1, 2, 3, 6, ये भी क्या है, भाज्य संख्या। 10, भाज्य संख्या। तो ये सब समझ में आ गया आपको कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। अब यहां पर एक प्रश्न उल्ट
उठ रहा है क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वह होती है क्या? दो। अब आप कहिएगा कि सबसे छोटी दो होती है, तो ये याद रखने वाली बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? दो। और दो दुनिया में इकलौती अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है, याद रहेगा आपको। इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसमें दो से भाग लग जाएगा। तो याद रखिएगा कि इकलौती सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या भी है वो क्या है? दो है। अब कहिएगा इस सीरीज में दो आ गया, चार आ गया, लेकिन ये एक कहां गया? तो भाई साहब ये जो एक है ना, यह ना तो सम है ना ही विषम है, याद रहेगा। यह ना तो सम है ना तो विषम है, नाइदर इवन नॉर ऑड, याद रहेगा। तो एक ना तो सम है ना तो विषम, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि कुछ अगला जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो देखें क्या है वो टॉपिक। देखिए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर से पहले अभी हम लोग अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो उससे दूर रिलेटेड चीज देखते हैं। जैसे पहली चीज याद रखिए आप लोग, ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जुर्मा अभाज्य या फिर अभाज्य युग्म, तो ये क्या है? तो ट्विन प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो सेट होता है दो नंबर का, यानी कि दो अभाज्य संख्या का समुच्चय, अभाज्य संख्या का, तो दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर दो हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, यानी सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ टू, तो वो हो जाता है क्या? ट्विन प्राइम नंबर। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखिए, जैसे पांच और सात, ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दो है, तो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। 11, 13, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 17, 19, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, ये क्या है? तो को प्राइम नंबर भी क्या है? ये भी है सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्या का समूह, कोई भी दो अभाज्य संख्या का समूह, तो कोई भी दो अभाज्य संख्या को एक साथ रख दीजिए, समूह बना दीजिए, वो क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। जैसे 3, 11, ये क्या है? यह सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। 23, 97, ये क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या। तो ट्विन और सह अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा देखिए, रिलेटिव प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्या या फिर अपेक्षित अभाज्य संख्या, तो यह क्या है? तो देखिए, यह भी सेट होता है दो नंबर का, यानी दो संख्या का जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो, याद रहेगा। सेट ऑफ टू नंबर्स
हैव बीइंग HCF इज इक्वल टू 1, याद रखिएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्राइम नंबर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों संख्या प्राइम नंबर हो, नहीं, इसमें यह प्राइम ना होके ये कंपोजाइट भी हो सकती है, अभाज्य संख्या ना होके भाज्य भी हो सकती है। बस एक ही चीज क्या है कि उसका मौसौ महत्तम समापवर्तक यानी HCF वह एक हो। जैसे आप एग्जांपल देखिए, 4 और 9। अब देखिए कि ये 4 क्या है, सम संख्या है तो ये प्राइम तो हो ही नहीं सकती, यह भाज्य संख्या है, कंपोजाइट नंबर है, 9 भी वही है, लेकिन फिर भी यह रिलेटिव प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1 होता है, याद रहेगा। इसी तरह से देखिए 5 और 7, ये क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर भी होगा। 9, 10, ये क्या होगा? रिलेटिव प्राइम नंबर होगा। तो समझ में आ गया कि रिलेटिव प्राइम नंबर में हम लोग फंस जाते हैं, क्या देखते हैं कि प्राइम है तो ये प्राइम होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यह प्राइम नंबर से मतलब नहीं, मतलब है कि इन दो संख्याओं के बीच का HCF जो कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो समझ में आ गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है ये? यह है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या। ये होल नंबर से वाला पूर्ण मत समझिएगा, ये परफेक्ट नंबर अलग है। तो देखिए, इस परफेक्ट नंबर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक संख्या, कोई ऐसी संख्या जिसका कि जितने भी फैक्टर है ना, उसको जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर बराबर हो तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे, याद रहेगा। एक नंबर है और उसका जितने भी फैक्टर्स है उसको जोड़ दीजिए, उसको छोड़ के, एक्सेप्ट सेल्फ, तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसका एक परिभाषा क्या दीजिएगा, आप कहिएगा कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। पहले समझिए, जैसे देखिए एक संख्या हमने लिख दी, अच्छे, इसका गुणनखंड क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है, जिसमें से उसे छोड़ दीजिए, सेल्फ को हटा दिया, बच गया क्या? 1, 2 और 3। इस तीनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़िए, कितना हो गया? 6, 6 और 6 बराबर, यानी कि 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। अब समझिए परिभाषा, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोर उस संख्या के बराबर हो जाए तो उसको पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर बोलेंगे। सम ए नंबर जिसके जितने भी फैक्टर होते हैं यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू डेट नंबर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं, 9, बताइए ये परफेक्ट नंबर है, इसका क्या होगा गुणनखंड? 1, 3 और 9, क्या हो गया? 3 और 1 को जोड़ेंगे, 4 होगा, तो यह परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए एक और देखते हैं, 8 क्या परफेक्ट नंबर है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 को हटा दीजिए, इसको जोड़िए, 6 आ रहा है, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। तो देखिए दोस्तों कि 1 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर है, 1 हो गया 6, दूसरा हो गया 28, याद रहेगा। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने परफेक्ट नंबर हैं? सिर्फ 2, 6 और 28। उसके बाद अगला परफेक्ट नंबर है 496, उसके बाद अगला परफेक्ट नंबर है 8128, उसके बाद अगला परफेक्ट नंबर है ये। तो सोचिए कि कितना कम है, तो आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें से आपको याद इधर नहीं रखना है, सिर्फ शुरू के 4 परफेक्ट नंबर याद रखना है, 6, 28 और 8, 1, 2।
तो ये बहुत आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।